ओम शांति। आज 25 तारीख की मुरली है। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है, यह है नई पढ़ाई। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो, तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत है, किसी ने अपना बना के। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है, अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने लिए। देखा, मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए जमीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें वा यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह न उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है, बाप ही समझाते हैं। स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है? यह बातें न शास्त्रों में है, न उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं, यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं। है भी बरोबर नई बातें, न उस एजुकेशन वाले सुना सकते, न सन्यासी आदि सुना सकते, इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं, ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना, इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है, वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सत्युग में ना भक्ति होती न ज्ञान, संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर से भक्ति चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है, समझ सकते हैं। वह सिर्फ भक्त हैं, तत्वों से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग, यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब इकट्ठे हैं, और वह उन्हों का सब अलग अलग है।
भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बात है, हम बेहद के बाप को जानते हैं इसलिए उनको याद करते हैं। वह भल शिव को याद करते परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं, वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके कर्म विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पड़ती है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते हैं। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है, यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाप है सबका रचयिता। उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त, यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वह आए कहाँ से। मनुष्य इन बातों को समझ न सके, क्षुद्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से। फिर एडॉप्शन होती है, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है, वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म, यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े, यहाँ फिर उनको एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। यह बड़े समझने की बातें हैं, चित्रों में भी क्लियर है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है, ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं प्रिंस ऑफ लाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस, यह रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए, दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, कुमारियों का चमत्कार नंबर वन में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं, यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है।
वास्तव में ठांव रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे है यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टोमोहा बढ़ना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टोमोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है, यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शुद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है, नर्क और स्वर्ग अलग है, मनुष्य यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं, योग में तो कमाई होती है। विकर्म विनाश होते हैं, ध्यान में कोई कमाई नहीं है, योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है, यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं,
तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है, बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह न सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते, तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते, वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं, उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा न सके, एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बढ़ना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। नंबर दो, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है, ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान है संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ, जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगी। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।